भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बनेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त प्रशासकों की समिति का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। गांगुली का बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन सर्वसम्मति से हुआ है। उनके अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य भी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव होंगे, उत्तराखंड के महिम वर्मा उपाध्यक्ष, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल कोषाध्यक्ष और जयेश जॉर्ज संयुक्त सचिव होंगे। गांगुली करीब 10 महीने ही बोर्ड अध्यक्ष रहेंगे और अगले साल जुलाई में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य लगातार 6 साल तक ही क्रिकेट बोर्ड के किसी पद पर रह सकता है। गांगुली 5 साल 2 महीने से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर थे, इसलिए बीसीसीआई में उनका कार्यकाल सिर्फ 10 महीने का रहेगा। गांगुली बीसीसीआई के ऐसे पहले अध्यक्ष होंगे जिनके पास 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव होगा। उन्होंने 424 मैच खेले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।